किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिटकरी के इस्तेमाल से आप किस तरीके से केले को ना सिर्फ ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं बल्कि बहुत सी बीमारियों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी तरह प्राकृतिक होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो की मात्रा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और साल में कम से कम एक बार इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैंने इस ड्रम में 1 किलो फिटकरी, जिसको एलम भी बोलते हैं, इसका घोल तैयार किया है। अब इस घोल को मैं केले को पानी देते समय पानी के साथ नाली में छोड़ दूंगा, जिससे ये जो फिटकरी का घोल है ये एक समान रूप से पूरे खेत में फैल जाएगा। अब इससे ये होगा कि फिटकरी की वजह से केले का पौधा मिट्टी में पहले से ही मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ग्रहण करना शुरू कर देगा। ये वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी का पीएच ज़्यादा होने की वजह से सॉइल में फिक्स हो जाते हैं और पौधों को नहीं मिल पाते हैं। फिटकरी की वजह से मिट्टी का पीएच धीरे धीरे कम होने लगता है और पीएच के कम होने की वजह से मिट्टी में पहले से ही मौजूद न्यूट्रिएंट्स को पौधा आसानी से अपटेक कर लेता है, जिसका सीधा असर पौधे की ग्रोथ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये मिट्टी में मौजूद फंगस को भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। केले की जड़ों के आसपास रहने वाले कीड़े, उनके अंडे और चींटियों की रोकथाम में फिटकरी बहुत ज़्यादा कारगर है। केले के तने में लगने वाले फंगस को रोकने के लिए भी और चींटियों की रोकथाम के लिए 50 ग्राम से 100 ग्राम प्रति लीटर फिटकरी का घोल बनाकर केले के तने पर अच्छे से स्प्रे करने से इसमें लगने वाली फंगस और चींटियों से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। शुरुआत में आप 5 से 10 पेड़ों में फिटकरी के घोल का स्प्रे करके इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये आपको जो रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री लगे तो आप इसको फिर पूरे खेत में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा, ये तो पक्का है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।